हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए एक फाइनेंशियल सर्विस वाला स्टॉक लेकर के आया हूँ, जो बहुत ही सस्ते प्राइस में यानी 99% टूट चुका है वो स्टॉक। ऐसा स्टॉक लेकर के मैं आया हूँ। इसका मार्केट कैप है 30 लाख का। इसका करंट प्राइस चल रहा है 0.63% यानी 63 पैसे। इसने हाई बनाया है 1 रुपये का और लो बनाया है 44 पैसे का। इसका पी रेशियो 8.67, इसका बुक वैल्यू 1.81 पैसे, 1.81 पैसे। ROCE है -0.47%, ROE है -0.58%, फेस वैल्यू है 1 रुपये की, प्रमोटर की होल्डिंग 0.00 है, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.14 है, और इस साल इसका प्रॉफिट हुआ है 1 लाख का। EPS है 0.07%। इसके पास डेट भी है 5,73,00,000 का। कंपनी हैज रिड्यूस डेट, कंपनी अपनी डेट को रिड्यूस कर रही है, ख़त्म कर रही है आस्ते आस्ते। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.35 टाइम इट्स बुक वैल्यू। क्वार्टरली रिजल्ट जून 2022 में 17 लाख का प्रॉफिट हुआ था, सितंबर 2022 में 65 लाख का प्रॉफिट हुआ है, अभी प्रॉफिट हुआ है। इससे पहले ये लॉस मेकिंग कंपनी थी, हर क्वार्टर में इसका लॉस ही आ रहा था। कुछ क्वार्टर ऐसे हैं जिसमें लॉस नहीं आया है, जैसे कि हर क्वार्टर में इसका लॉस आया है। सितंबर 2019 में शायद लॉस नहीं आया है, उसमें भी लॉस ही है। वैसे पहले लॉस मेकिंग कंपनी थी, बट अभी ये प्रॉफिटेबल कंपनी हो चुकी है। इसके इस क्वार्टर में रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, नेट प्रॉफिट भी 65 लाख का ही है। और वैसे नेट प्रॉफिट में बहुत सारे क्वार्टर में प्रॉफिट दिखला रहा, बट क्वार्टरली रिजल्ट में लॉस दिखला रहा था। लेकिन आइए हम लोग चलते ईयरली बेस में देखते हैं कि कैसा इसका रिजल्ट रहता नेट प्रॉफिट में। तो 1,65,00,000 का इसका प्रॉफिट रहा इस साल, और पिछले साल 1 लाख का। इससे पहले भी प्रॉफिट लॉस, ज़्यादातर लॉस ही हुए हैं, प्रॉफिट कम हुआ है। जैसे कि 2018 मार्च में इसे 4 लाख का प्रॉफिट हुआ था, उसके बाद लॉस, फिर 2 साल से लगातार प्रॉफिट हो रहे हैं, तो अभी अच्छा। तो देखो यहाँ पे कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल में कुछ नहीं, 5 साल में कुछ नहीं, 3 साल में कुछ नहीं, लेकिन TTM में 192% की प्रॉफिट दिखला रही है। नेट कैश फ्लो भी है 1 लाख का इसके पास। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। पहला नंबर, शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो कुछ है नहीं, प्रमोटर के पास कुछ होल्डिंग तो है दिखला नहीं रहा, सिर्फ पब्लिक की होल्डिंग 100% की है। बट अगर आप पब्लिक के होल्डिंग में आओगे तो देखो 13.20, 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 11.40, 7.35, 1, 2%, 2%, 2.2%, मतलब क्या मैं बताऊँ, काफ़ी अच्छा पैसा लगा हुआ है इसमें इंडिविजुअल का। अभी इंडिविजुअल नहीं है, ये कोई कंपनी है, ठीक है, सन टेक्नो ओवरसेस लिमिटेड। इसने 13.20 का इसमें पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट किया है। एक्सो इन्फोटेक लिमिटेड, इसका 13.20, यानी कुल मिला जुला के यही प्रमोटर है इसके,
और काफ़ी अच्छा, मतलब ऐसे करके मुझे लग रहा 50% से ऊपर की होल्डिंग है प्रमोटर की, आप ये बात मान के चल सकते हो। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते प्रमोटर है नहीं, लेकिन इंडिविजुअल्स पब्लिक के अंदर जब जाओगे तो बहुत अच्छा प्रमोटर का पैसा लगा हुआ है। ठीक दोस्तों, ये प्रमोटर जो है इतनी आसानी से इस स्टॉक को नीचे के लेवल में और नीचे जाने देंगे नहीं। आइए चलते हैं हम लोग टेक्निकल पे और देखते हैं इसका टेक्निकल। ठीक है, तो दोस्तों आ गए हम इसके टेक्निकल पे और देखो मंथली टाइम फ्रेम में इसका कैंडल मैंने खोल रखा है। ठीक है, इसने हाई लगाया है 121 रुपये का, और सेकेंड हाई है इसका 50 रुपये का। ठीक है, लेकिन 2011 से अब तक, यानी 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यानी 12 साल से लगातार एक डब्बे में ट्रेड कर रहा है। सोच लो, ये स्टॉक हाई लगाया 120 रुपये का, ये एक डब्बे में ट्रेड कर रहा है। मतलब क्या मैं बताऊँ, ये इस स्टॉक का टारगेट बहुत बड़ा है दोस्तों, ये आपको बहुत अच्छा टारगेट दिखला सकता है। मेरा मानो तो पहला टारगेट इसका 17 रुपये, फिर ये 17 और 50, 120 रुपये का भी टारगेट दिखला सकता है। कम से कम 17 रुपये का टारगेट दिखलाना दिखला सकता है। लेकिन अभी हम लोग देखें, करेंटली देखा जाए तो ये अपने सपोर्ट के पास है, 63 पैसे इसका सपोर्ट है, और अगर ये आपको 56 पैसे मिले तो भी कोई बड़ी बात नहीं, 56 पैसे मिल सकते हैं, और 56 55 पैसे में आप इसे बाई करके चल सकते हैं। अभी इसके करंट प्राइस में भी बाई करके चल सकते हैं, इसका करंट प्राइस चल रहा है 75 पैसे, और आपको अगर वैसे 56 65% 56 पैसे 65 पैसे मिल सकते हैं, अगर इस प्राइस में मिलते हैं तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं तो आप इस प्राइस में भी लेकर के चल सकते हो, और ये फर्स्ट टारगेट आपको दिखलाएगा 2 रुपये 1 रुपये 88 पैसे का। नहीं, पहला टारगेट आप ये मान के चल सकते हो 1 रुपये का दिखलाएगा। इस लेवल को जब ये ब्रेकआउट करता है 75 पैसे के ऊपर, और इसको करना है तो पहला टारगेट आपका रहेगा 1 रुपये, उसके बाद सेकेंड टारगेट रहेगा 2 रुपये। आज जब ये 2 रुपये के लेवल को, 2.5 रुपये के लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो सीधा आपको 10 रुपये 18 रुपये के लेवल को दिखलाएगा। लेकिन 18 रुपये लेवल तक पहुंचने के पहले कई बार नीचे आएगा ऊपर जाएगा, ये बहुत अच्छा स्टॉक है, आप इस स्टॉक को बाय करके चल सकते हो, क्योंकि अपने सपोर्ट के पास है और ये वहाँ से बहुत अच्छा जंप दिखला सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक वहाँ जाकर के आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, और हमें आप सजेस्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, अगर आप किस संबंध में कोई आपके पास शेयर है उसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, अगर आप भी हमसे रिव्यू जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, या ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपका कमेंट का रिप्लाई वो खुद कर देंगे।